मैं मुकेश और आप देख रहे हैं यूरोपियंस फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग PGCIL का प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट वन कर चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो आप उसका देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें। ऐसे ही जॉब्स अपडेट्स एंड पेपर डिस्कस बहुत सारे रिलेटेड टू जॉब्स, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग 31 क्वेश्चन देखना है। चलिए, अ वायर इज अ लेंथ 50 सेंटीमीटर का, एक वायर है, मूव है द राइट एंगल टू इट्स लेंथ ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। द E इज इक्वल टू, आपको ये इज इक्वल टू पता होगा, BLV साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 90, क्योंकि राइट एंगल है तो ये वो खत्म हो गया, तो BLV बचा। तो B कितना है 1, L कितना है 50 इंटू सेंटीमीटर, तो मीटर में करने के लिए 10^-2 और इंटू 50, तो -2 तो नीचे आएगा 100, तो 0.0 तो 50, इसका आंसर B आ जाएगा 25 वोल्ट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 32। हम लोग ऐसे आपको डिस्कस करते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ हमको सोल्यूशन भी बताता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि बता पाऊँ। सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या है? सिंक्रोनस सभी को पता है कि जब मोटर जो होता है अगर ओवर एक्साइटेड हो जाए विदाउट लोड, किसी लोड के बिना, तो वो सिंक्रोनस कैपेसिटर कहलाता है। सिंक्रोनस कैपेसिटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करते हैं हम लोग क्या, किसको, पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट में। तो आपको इतना ही पता होता है, हम फैक्चुअल भी बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33। नेट एनर्जी सेव ड्यूरिंग रिजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रेन। रिजनरेटिव कब ज़्यादा सेव होता है? हाई विथ हाई डाउन ग्रेडियंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34। अ सिलिकॉन डायोड हैज द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज 12 वोल्ट इन 1.2 वोल्ट फॉर द फॉरवर्ड डीसी करंट 100 mA। इट हैज़ द रिवर्स करंट आई 1 μA फॉर द रिवर्स वोल्टेज 10। कैलकुलेट द रिवर्स रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V/I। तो रिवर्स पूछा है, तो रिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज कितना दिया है मेरे पास, रिवर्स वोल्टेज दिया है 10 और बट करंट कितना, करंट है 1 μ, तो माइक्रो ऊपर जाएगा तो मेगा हो जाएगा, तो 10 mΩ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, 35। अ कंज्यूमर हैज़ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 kW फॉर 40% लोड फैक्टर एंड यूनिट कंज्यूम्स पर ईयर्स आर 700.8 kUs। इफ़ द 8 kU के है और किलो दिया हुआ है, इफ़ द टैरिफ ऑफ 100 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा पर किलोवाट आवर, कैलकुलेट द एनुअल चार्ज। ठीक है, अब समझ गए, तो इस पर कितना लग रहा है, जो मैक्सिमम डिमांड पर 100 रुपये टैरिफ लग रहा है, फिर जो पैसा 10 पैसा लग रहा है मैक्सिमम डिमांड पर, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 200 को जब हम 100 से करें तो 20,000, तो ये 20,000 प्लस हम लोग कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, तो 700.8 इंटू कितना से 10 पैसा, 10 पैसा को 0.1 इंटू 1000, क्योंकि किलो में है तो किलो का हटा देंगे, यूनिट्स में बात करते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके और जोड़ेंगे तो 90,080 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 20 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपसे कहना चाहेंगे अगर आपने वीडियो अच्छी लगती तो लाइक, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। 36 क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द करंट आई इन द रजिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क, देन VS इज इक्वल टू 15 वोल्ट IS3 एंड R5। जब R हमको 5 दिया है और VS दिया है 15, तो आई तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये तो पैरेलल में, और पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो 15/5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, इसका 3 एम्पियर। 37 से हम लोग बात कर लेते हैं। फाइंड द पावर सप्लाई, पावर निकालना है सप्लाइड बाई द एलिमेंट व्हेन VT दिया है 4 cos 3t एंड IT 1/12 sin 3t। तो चलिए हमको पता होना चाहिए P इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos φ। तो cos फाई तो थीटा तो 0 डिग्री, तो 0 तो cos फाई, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये खत्म, तो बचा VI, तो P इज इक्वल टू VI, तो V कितना है 4 cos 3t इंटू 1/12 sin 3t। ठीक है, तो 4 से 3 बच गया, cos 3t इंटू sin 3t 1/3। तो एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए ट्रिगोमेट्री का, sin 2a क्या होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते तो 2 cos a sin हो गया, तो ये sin 2a हो जाएगा और ये 6, तो 1/6 sin 2a, इसका ये हो गया, तो 2a मतलब एक जगह पे t लिखा है, इसलिए आप समझ गए इसका आंसर, PT इज इक्वल टू 1/6 sin 60 वाट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात कर लेते हैं।
द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट करंट 40 ओम डिटरमाइन द लोड करंट लोड करंट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बटा आई वी वोल्टेज बटा क्या हो जाता है वी इज इक्वल टू आई आर तो हमको क्या चाहिए करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर तो 220 बटा 40 तो 0 से 0 4 से 22 करेंगे तो 5.5 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 डिटरमाइन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एग्जिटेड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई द मेथड फॉर द डायग्राम फाइंड द रिलेशन वी एंड वी तो ये हमको ये टोटल वी में और ये छोटा वाला वी में रिलेशन बताना है। तो पहले टोटल को वोल्टेज निकाल लेंगे फिर इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी बाई वी करेंगे तो 1+ बड़ा आर बाई छोटा आर आएगा। चलिए फिर नेक्स्स्ट बात कर लेते हैं 40 में है स्टीम पावर स्टेशन ओवरऑल इफिशियंसी 20% तो आपको पता होना चाहिए इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट और इनपुट में क्या है कंबस्टन होगा हीट कंबस्टन होगा ना वही तो इनपुट है ना इसमें। चलिए ठीक है तो इफिशियंसी दिया है 20% तो 20/100 इज इक्वल टू आउटपुट दिया है 860 कैलोरी बटा और तो एक्स कर देंगे और कंबस्टन की रेट क्या है 0.5 तो 0.5 तो कटाते हैं ये तो एक ऊपर चला जाएगा जीरो ठीक है 20 से 5 100 और 5 से 5 कट गया था 86 कैलोरी पर केजी। अपनी ये फार्मूला ध्यान रखना होगा ये छोटी छोटी फार्मूला याद रखते हैं तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है ऐसे ऐसे हर एग्जाम में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 41 द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ 36 स्लॉट्स 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है KD और KD का फार्मूला क्या होता है साइन एम बीटा बाई साइन एम बीटा बाई टू बटा एम साइन बीटा बाई टू कोई बीटा लेता है अल्फा एंगल से कोई आपको ध्यान नहीं रखना है या बीटा ले अल्फा है ठीक है तो हमको एम निकालना पड़ेगा तो एम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एम इज इक्वल टू क्या होता है एम इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल इंटू फेज तो स्लॉट्स कितना है 36 है और 4 पोल है और 3 तो 12 तो 36 तो एम कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। नेक्स्ट हम लोग फिर बात कर लेते हैं बीटा के बीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्लॉट बटन बीटा इज इक्वल टू होता है आपका बीटा इज इक्वल टू होता है पोल पर स्लॉट पोल बाई स्लॉट इंटू 180 तो पोल कितना है मेरे पास पोल है 4 है तो 4 बाई तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 बाई कितना 36 इंटू 180 तो 4 से कटाएंगे तो 9 और 9 से ये कटाएंगे तो 20 तो कितना है मेरे पास बीटा 20 आया तो हम फार्मूला में पुट कर देंगे साइन साइन एम कितना आया था 3 और 20 आ गया ये बीटा बाई 2 तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 30 आ गया ना 20 30 60 तो 30 तो 30 तो इसमें भी है और इसमें भी इस दोनों में से हो जाएगा और ये चलिए फिर हम बात कर रहे थे एम एम कितना है 3 तो 3 तो यहाँ है यहाँ है तो ये तो बचा कौन मेरे पास यहाँ है और यहाँ है तो इस दोनों में से होगा क्योंकि तो कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग देखते हैं साइन तो साइन जो था एम बीटा बाई टू एम बीटा बाई टू बीटा बाई कितना था मेरे पास था बीटा 20 था 20 बाई टू था 10 तो 10 तो ये हो गया वैसे यहाँ फार्मूला निकाल लो फार्मूला और छोटा छोटा पार्ट करके सॉल्व करें तो ईजिली हो जाता है 42 अभी भी हम कहना चाहेंगे अपने चैनल को लाइक अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए 42 देख लेते हैं द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द मैक्सिमम डिमांड तो एवरेज पावर बटा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है लोड फैक्टर का होता है ये तो आपको याद ही होगा ये तो ये क्योंकि हम आगे भी डिस्कस किया था उस टाइम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 43 क्या होता है डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू तो डी क्यू गिवन द डिफरेंशियल डी डब्ल्यू तो क्या होता है वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू तो ये तो इसका 4 हो जाएगा ऑप्शन। फिर हम बात कर लेते हैं आगे 44 में क्या है डिटरमाइन द कंडक्टर ऑफ अ शॉर्ट सर्किट 120 वोल्ट विच रिजल्ट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट इज 5 तो क्या बोला डिटरमाइन द कंडक्टेंस कंडक्टेंस पहले पता होना चाहिए आपको कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ रेजिस्टेंस होता है ठीक है तो वी इज इक्वल टू आई आर तो कंडक्टेंस निकालना तो आर के जगह पे 1/C कर सकते हैं और भी मेरे पास वोल्टेज दिया है ना 120 दिया है 120 वोल्ट बटा करंट 50 इज इक्वल टू 1/ कंडक्टेंस तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 से जब 50 कटाएंगे तो बच्चों करता है 4 कुछ आ जाएगा जिससे ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा तो 4.16 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सोचिए ध्यान रखें कंडक्टेंस लिखा है व्हाट इज द करंट थ्रू द इलामेंट इफ़ द चार्ज इंटरिंग द इलामेंट इज क्यू आर 20 इंटू सी तो सी क्या होगा तो सी हमको सी चाहिए ना दिया हुआ है सी तो क्या होता है आई डी क्यू बाई डी टी होता है और टी इज इक्वल टू 1 तो क्यू अगर हटा देते हैं तो आई बच जाएगा और आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 46, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डायरेक्टली अप्लीकेबल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन एसी क्वांटिटी, एसी करंट, एसी करंट के लिए हम कौन नहीं कर सकते हैं, हॉट वायर तो करते हैं, मूविंग आयरन एसी डीसी इंडक्शन भी दोनों के लिए, लेकिन जो परमानेंट होता है पीएमएमसी वो केवल डीसी पर वर्क करता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका जो स्केल होता है लीनियर होता है, लेकिन मूविंग कॉइल का नॉन लीनियर होता है। मैं छोटी और भी बहुत खासी बातें होती है, जैसे इसका भी नॉन लीनियर होता है, तो जितना आप ध्यान रखिएगा। पीएमसी में हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, लेकिन लेकिन मूविंग कॉइल में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये भी बहुत क्वेश्चन बनता है। डिटरमाइन द एलिमेंट आई एट द टी इतना गिवन द ड्रैग, ये जो है आपका ट्रांजिएंट के क्वेश्चन, और यहाँ सब कर सकते हैं, जब इसको एक क्लोज करके एक ओपन करके और टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। इसका आंसर 2 मिली एम्पियर होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ई वी वन एंड वी थ्री एज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक्स अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दिन द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, आर एम एस वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर, यही तो करते हैं ना, आर एम एस में यही कर दे स्क्वायर कर देते हैं तो आर एम एस निकल जाता है। फिर बात करते हैं 49, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज प्रेफर टू द ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के लिए हमको ऐसा चाहिए जिसका स्टार्टिंग टॉक हाई होता है, डी सी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉक हाई होता है, इसलिए 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन, टोटल इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर के आंसर किस पर डिपेंड करता है, द रिलेशन ऑफ नो लोड जनरेटर ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है, तो इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे थे 51, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कन्वेंशनल मेथड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन ऐसा मेथड है जो परंपरागत है, तो थर्मल पावर प्लांट है ना कन्वेंशनल, ये सब तो यही कन्वेंशनल है क्योंकि ये कोयला पे चलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 52, इफ द टाइम टेकन इन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कंपेयर टू मिली सेकेंड टू फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1/T, और टी क्या है 1/2 मिली 10^-6, 10^-3, -3 तो ऊपर गया तो 1002 से, तो 500 हर्ट्ज हो जाएगा 500। डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉरवर्ड बेस्ड पीएन जंक्शन में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। 54 हम बात कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू पोल एंड पाथ टू मैग्नेटिक पोल्स, कैसा कौन ऐसा पार्ट होता है मशीन के, तो योक होता है जो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। 55 क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर, हम उसी क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन से बात किए थे जहाँ पीएमसी के लिए रहता है, जो मूविंग आयरन होता है दोनों के लिए, जो पीएमसी होता है केवल डीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 56, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एडहेसिव ऑन ड्राई रेल इज 0.26, विच फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ वेल, तो एडहेसिव में से 1 घटा देते हैं, 0.1 जब हम माइनस कर देंगे तो वही आ जाता है मेरे पास वेट रेल का, तो 0.16। फिर हम बात कर लेते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बेस्ड ऑफ फ्रॉम द फ्लोइंग नो एज द करेंट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की से आई ही तो होता है ना, आई इज इक्वल टू DQ/DT। चलिए 58 है, व्हेन अ गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज्ड एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ द सक्सेडिंग ब्लॉक एनर्जी वेयर चार्ज इन द प्रोस्पेक्टिव रिड्यूस, तो क्या बोलते हैं ब्लॉक रेट टैरिफ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 59, व्हाई इज द सिंक्रोनस मशीन कॉल्ड डबल एक्साइटेड मशीन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोटर और स्टार्टर दोनों इसमें एक्साइट होता है। फिर हम बात करते हैं 60, द फ्री रनिंग स्पीड ऑफ अ ट्रेन डज नॉट डिपेंड अपॉन, फ्री रनिंग जो स्पीड होता है ट्रेन का डिपेंड नहीं करता है किस पर, ड्यूरिंग ऑफ स्टॉप ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, स्टॉप पर, स्टॉप के ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए हम लोग इस भी सेशन में 30 क्वेश्चंस को हम लोग देखा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस फिर हम लोग देखेंगे, अर्थात इसको हम लोग पहले ही बता देता कि चार पार्ट में हम लोग इसको बनाने वाले हैं, 120 क्वेश्चन को 30-30 करके चार पार्ट बनाएंगे, जिसमें से हम लोग दो पार्ट ये हो गया, पहला आपने नहीं देखा तो उसका, और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ये दूसरा था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।